क्वेश्चन नंबर 18। अ वेल ऑफ इनर डायामीटर 14 मीटर इज डग आउट टू डेप्थ ऑफ 12 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू विड्थ ऑफ 7 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट सो फॉर्म। क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि अ वेल ऑफ इनर डायामीटर इज 14 मीटर एंड इज डग टू डेप्थ 12 मीटर। यहाँ आप इस पोर्शन से आते हैं तो ये जिसकी हाइट बन रही है वह 12 मीटर की हो रही है, ठीक है ना। और जो डायामीटर है इसका इनर डायामीटर क्या है, 14 मीटर है, ठीक है ना। और इसमें इसको खोदा गया है, यहाँ तक खोदा गया है, इसको डग आउट करके इनमें से जो मिट्टी निकाली गई वह इसके चारों तरफ फैलाया गया, एक राउंड शेप में फैलाया गया ये। और यहाँ पर ये हाइट है इसकी, एच पता नहीं है कितना है। और कहता है कि जो इसके चारों तरफ फैलाया गया उसकी जो विड्थ है वह 7 मीटर है, ठीक। इस वेल के चारों तरफ 7 मीटर का मार्जिन लेकर के उस मिट्टी को फैला दिया गया। आपको ये बताना है कि जो मिट्टी फैलाई गई उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इनर डायामीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन इनर रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन टू होता है तो ये हो जाएगा 7 मीटर, इतना कंफर्म हो गया। डेप्थ जो यहाँ पर आया वो कितना आया, डेप्थ इसकी जो गहराई ली गई वो कितनी होगी, 12 मीटर है ना, तो इसको आप हाइट ले लें। कहता है कि इनर डायामीटर 14 मीटर डग आउट टू डेप्थ ऑफ 12 मीटर, तो डेप्थ इसकी 12 मीटर हो गई, ठीक यहाँ तक। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इनर वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, आर स्क्वायर के लिए 7 होल स्क्वायर, एच के लिए 12 मीटर क्यूब। इस 7 से कैंसिल कर दे तो यहाँ खाली 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 154 मल्टीपल बाई 12। अब 154 की मल्टीप्लाई यदि आप 12 से करें तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वो हो जाएगा 1848 मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये क्वेश्चन होगा। अब ऐसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं, जो यहाँ पर ये एम्बैंकमेंट दिया हुआ है उसकी विड्थ को यहाँ पे नोट डाउन कर लें। विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक। देन आउटर रेडियस इज इक्वल टू, जब यहाँ से ये 7 का ये होगा उसमें 7 और ऐड कर देंगे तो जाएगा यहाँ पे 7 + 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी इक्वल टू एच, ठीक ये हो गया। अब इसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 होल स्क्वायर, एच टू बी कैलकुलेटेड एंड दिस विल बी इक्वल टू 1848, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपने कैंसिल किया 22 14 × 14 × H / 7, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा हो जाएगा
और इज इक्वल टू 1848, एच इज इक्वल टू 1848, 22, 2 and 14। ठीक है, 1848 को आप 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 84। ठीक, और इसको डिवाइड करें तो 6, 2 से डिवाइड करें तो 3, तो जो हाइट आएगी कितनी जाएगी, 3 मीटर। इस एम्बैंकमेंट की जो यहाँ हाइट है, ये हाइट कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से करने की कोशिश भी करनी है, केवल समझना ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें ज़रूर करें और डायग्राम का विशेष ध्यान रखें, डायग्राम आप ज़रूर बनाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 19 पर स्टूडेंट, रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वन ओवर टू लेवल अ रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। देखिए, पहले हम यहाँ पे नोट कर लें, डायामीटर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। अगर हम इसका रेडियस फाइंड करें तो डी अपॉन टू होता है 84 अपॉन 2, 2 4 जा 2 2 जा, सेंटीमीटर हो गया। इसको 42 को आप 100 से डिवाइड कर दें तो 0.42 मीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप देखें, समझ में आ जाएगा आपको। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितना है, 750। ठीक, अब यहाँ पर एरिया कवर्ड इन वन राउंड या वन रिवोल्यूशन लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2πRh, मतलब आपको सिलेंडर का TSA फाइंड करना पड़ेगा। देन 22 अपॉन 7, R के लिए 0.42 स्क्वायर एंड 0.42, इसको स्क्वायर का मतलब दो टाइम इसको आपने ओपन कर देना है। और h कितना है इसका, यहाँ पर जो लेंथ है उसको h मानेंगे रोड रोलर की, वो 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर लगा के स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको आप यहाँ पे डिवाइड करें, ठीक है ना, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पहले क्या करना होगा, ये 44 कर लेना है, 0.42, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आपने यहाँ पर कैंसिल करना है, 0.42 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 0.06। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, कैरी 2 और 24 टू 26, 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगा लीजिए, अब क्या हो गया 0.42। अब आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2.64 की मल्टीप्लाई आप 0.42 से कर लीजिए, कितना आ गया भाई, यहाँ पर 2πRh है और आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2.64 से, क्योंकि आपके क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कि 750 रिवोल्यूशन है, 84 सेंटीमीटर डायामीटर है, लेंथ 1 है, तो आपने 2πr, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, r 0.42 हो गया, तो इनको स्क्वायर में हो गया तो 2 टाइम ओपन कर दिया 1, और आपने 22 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 44 अपॉन 7, 0.42, और अब 0.42 को आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ठीक, जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.06 हो जाएगा,
और इसकी मल्टीप्लाई आपने 44 से कर दी तब आपको मिला 2.64, और इस 0.42 को यहाँ रख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 0.42 की, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1088 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कितने राउंड का, यहाँ पर वन राउंड में सरफेस एरिया निकाल दिया। अब जो एरिया ऑफ द एरिया कवर्ड इन 750 राउंड्स कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप 1.1088 की मल्टीप्लाई 750 के साथ कर दीजिए, तो 750 पर करने पर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 831.6 मीटर स्क्वायर। जो वह रोड रोलर होगा वह इस एरिया को, जो एरिया आपने फाइंड किया है उस मैदान में, उस फील्ड में 831.6 मीटर स्क्वायर आपने इसको जो है रोड रोलर ने उसको लेवल कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को और 21 को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।